अब्बा हुजूर हाँ आने दो आने दो आने दो फूफू फूफू आने दो फूफू फूफू देखो आने दो अरे ये कौन है सलीम लड़की अब्बा हुजूर अरे वो तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन किसकी मुझे पता है हाँ किसकी ये अपने माँ बाप की लड़की है फूफू वो अरे उठाकर कहाँ से लाए हो इसे अब्बा हुजूर ये नदी की बीच धारा में डूब रही थी नीचे जा रही थी ऊपर आ रही थी नीचे जा रही थी ऊपर आ रही थी और बस चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ हम और वासु इससे चिल्ला चिल्ला कर पूछ भी रहे थे कि बचाना किसको है मगर ये कुछ बोल ही नहीं रही थी बस चिल्लाए जा रही थी बचाओ बचाओ फूफू बहुत बेवकूफ लड़की है ये सलीम भाई साहब को बीच धारा में जाना पड़ा इससे पूछने के लिए कि आखिर बचाना किसको है बस तभी ये बेहोश हो गई और हम इसे यहाँ ले आए जब ये लड़की होश में आएगी तो हम दोबारा इससे पूछेंगे कि आखिर बचाना किसको है उसके बाद हम और वासु उसे बचाने के लिए निकल जाएंगे फिलहाल आप दोनों यहाँ से निकलिए निकलिए यहाँ से दरबान लड़की को अंदर लेकर जाओ जी जहांपनाह अरे तुम नहीं किसी दासी को कहो कि इसे अंदर लेकर जाएं और तुम शाही हकीम को बुलाओ उठो उठो बेटी उठो क्या हो गया नहीं ये नहीं हो सकता क्या रानी साहिबा लड़की अरे नहीं नहीं उर्वशी ये जो डंडियां लगाई ना इसने अपने सर में हमें भी ऐसी डंडियां लगानी है हमारे पास क्यों नहीं है रानी साहिबा की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ आदाब आदाब छोड़िए इसे देखिए लड़की को क्या हो गया देखिए अभी देखता हूँ कुछ नहीं लड़की के जिस्म में जरूरत से ज्यादा पानी चला गया है छोड़िए नाक सही बातें करना छोड़िए और इस लड़की के जिस्म में से पानी निकालिए हाँ। अभी निकाल देता हूँ ठीक हो गई मोची 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 रानी साहिबा लगता है ये मोची की बेटी है मोची मोची हे भगवान उर्वशी इसे तो हिंदी बोलना नहीं आता ये तो कोई और जबान बोल रही है हमको थोड़ा 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 हिंदी आता अरे वाह तुमको हिंदी आता तो तुम हमको बताता ये डंडिया कहाँ से बनाता आता आता रानी साहिबा ये डंडियों की बातें छोड़िए और ये पूछिए ये कौन है और कहाँ से आई है हाँ। हमारा नाम चीमी जी है चीमी जी हम चीन का राजकुमारी है नाव में सैर करने निकला नाव डूबा हमको एक बहादुर लड़के ने बचाया उसके बाद हमें कुछ नहीं याद आया वो बहादुर लड़का जिसने तुम्हें बचाया वो हमारा बेटा है आप यहाँ का दासी है? है हम यहाँ का रानी साहिबा है और हमारा बेटा शहजादा सलीम सच क्या हम उनसे मिलकर उन्हें दे सकता नहीं नहीं ये लिली 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 क्या देना चाहती हो हमारे बेटे को मतलब हम उन्हें आभार देना चाहता राजकुमारी चीमी जी शहजादे सलीम को शुक्रिया कहना चाह रही है इंतजाम कीजिए जाइए हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा
कि कोई लड़की हमसे मिलने आ रही है। आराम से उससे बात करूं, आराम से उससे बात करेंगे, मीठी मीठी प्यार की बातें होंगी और तुम लगाते। हम फिर आपको बचाएंगे, पर इस बार ठंडे पानी से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहन कर आएंगे। आपका बात हमें बहुत आया, आप हमें बहुत पसंद आया। पहली बार हम किसी लड़की को भाए हैं, वरना ऐसे मामलों में हम हमेशा ठोकर ही खाए हैं। आप दिल का साफ, जुबान का सच्चा, आप जैसा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन कितना अच्छा। हम पति धन का निर्वाह करेगा, क्या आप हमसे विवाह करेगा? विवाह मतलब शादी। शादी? पर उर्वशी, छोड़ो उर्वशी को, उसके पीछे भाग भाग कर उम्र निकल गई हमारी आधी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी नहीं होगी हमारी शादी। हम तुम्हें पाने के लिए सात समुंदर पार जाएंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुमसे ही ब्याह रचाएंगे। क्या हुआ? लेकिन हम हिंदुस्तान की गर्मी कैसे सहन करेगा? क्या तुम हमारे साथ घर जमाई बनकर चीन चलेगा? अपनी मोहब्बत पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, घर जमाई तो क्या, हम गुलाम बनकर भी तुम्हारे साथ चीन में रहेंगे। अब तो बात हमें बहुत पाया, बस हमारे पिताजी को भाजाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि उनकी नजरों में छा जाओ। तुम फिक्र मत करो, शाही खून है हम, तुम्हारे पिताजी हमें देखकर हिल जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह करके हम दोनों मिल जाएंगे। आज शाम हम वापस चला जाएगा, पिताजी को लेके जल्दी वापस आएगा। अब्बा हुजूर, हमें आपको एक खुशखबरी सुनानी है। पहले पहले जरा हकीम जी को बुला लो, हकीम जी को बुला लो जल्दी। हकीम जी को क्यों? अरे जब जब तुमने हमें खुशखबरी सुनाई है, हमें दिल का दौरा पड़ा है, जरा जल्दी बुला लो जल्दी। लेकिन इस बार आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा बहुजूर, बल्कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। आप जानते हैं, चीन की राजकुमारी हमसे शादी करना चाहती है। वो लड़की तो हमें काफी समझदार सी लगी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंधे के हाथ में बटेर लग गई। अब इससे पहले कि वो लड़की अपना इरादा बदल दे, हम चीन के राजा को तुम्हारा रिश्ता भिजवा देते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं अब्बा हुजूर, क्योंकि वो खुद बहुत जल्द शादी का रिश्ता लेकर आपके पास यहाँ आने वाले हैं। पहले आप ये बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे मंजूर है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें तो लगा था तुम्हारी शादी किसी गधी से करानी पड़ेगी, लेकिन एक राजकुमारी तुम्हारी किस्मत में आएगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब्बा हुजूर, हुजूर, आप और अम्मी जान हमें ससुराल में बहुत याद आएंगे। ससुराल लड़कियां जाती हैं, लड़के नहीं। वो हम जानते हैं, लेकिन चीमीची पहाड़ों में रहती है, हिंदुस्तान की गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए हमने सोचा है हम शादी के बाद चीमीची के साथ चीन में रहेंगे, घर जमाई बनकर। देख, चीमीची के लिए तुम हिंदुस्तान का सिंहासन छोड़ दोगी? हाँ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आप सिंहासन को बंधवा दीजिएगा, हम उसे भी अपने साथ चीन ले जाएंगे। अरे हिंदुस्तान के सिंहासन से हमारा मतलब है हिंदुस्तान की रियासत। तुम हमारे इकलौते वारिस हो, हमारे बाद ये मुगलिया सल्तनत को संभालेगा कौन? आपकी परेशानी के चक्कर में हम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने देंगे। लेकिन लड़का तो मुगलिया सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिला कर रहे। अरे रानी साहिबा, ये कैसी औलाद दी है आपने हमें? सलीम, 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 ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम शादी करके घर जमाई बनने जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, आजकल शादी का नाम सुनते ही हमें शर्म आ जाती है। बेवकूफ, हम इस शर्म की बात नहीं कर रहे, हम उस शर्म की बात कर रहे हैं। उस शर्म की? किस शर्म की? उस इसको छोड़ो,
अरे सलीम बेटा बेटा मेरा लाल, जरा सोचो शादी करके घर जमाई बनोगे तो हम दुनिया वालों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? ये वाला मुंह? अम्मी जान आपके पास दो तीन मुंह थोड़ी है कि आप ये वाला लेके जाएंगी कल वो वाला लेके जाएंगी। कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या हो गया आपको? बेटा बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। लेकिन अम्मी जान आप ही तो कहती हैं कि एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है, आज नहीं तो कल, किसी को पहले किसी को बाद में। रख रख प्रेम रख। बेटा बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हम पर हंसेंगे ना। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी जान। हमने सुना है कि अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, और हमारी वजह से तो लोग हंसेंगे, हमें तो मोटा पुण्य मिलेगा। अरे बेटा जरा सोच, लोग ये सिंहासन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू सिंहासन को ठोकर मार के जा रहा है। नहीं अम्मी जान, शाही खून है हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि सिंहासन को ठोकर मार कर जाएं। हम उस सिंहासन को ठोकर नहीं मारेंगे, इतना भारी सिंहासन है, अगर हम उसे ठोकर मारेंगे तो हमारे पैर पे चोट नहीं लग जाएगी, जाते जाते हम चोट क्यों लगवा कर जाएं? बेवकूफ कहीं का, हे भगवान अब हम क्या करें? कौन समझाएगा इस बेवकूफ सलीम को? उर्वशी, रानी साहिबा को कनीज का सलाम। बैठिए ना। नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये क्या सब है गुलाबी गुलाबी? वैसे आज हिंदुस्तान की मलिका तुमसे कुछ मांगने आई है। रानी साहिबा, वो जो आपने मोती वाला हार हमारे पास देखा था ना पिछले हफ्ते, वो हमसे कल ही गुम हो गया। कमजोर लड़की, हम तुमसे तुम्हारा मोतियों का हार मांगने आए हैं? अरे तुम हमारा एक काम कर दो, हम ऐसे 10 हार तुम्हारे लिए तोहफे में लाकर दे देंगे। छोड़िए, हम झूठ नहीं या मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे रानी साहिबा, हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, आप बताइए ना क्या काम है, हम करने को तैयार हैं। शहजादे सलीम को उस चिमीची से प्यार हो गया है, ये तो तुमने सुना ही होगा। अरे इतने सालों के बाद हमने चैन की सांस ली है, हमें कैसे नहीं पता होगा? क्या मतलब है कि हम बहुत खुश हैं रानी साहिबा? पर हम खुश नहीं है उर्वशी, अगर उस चिमीची से शादी हो गई ना सलीम की, तो मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। हम तुम्हें हुक्म देते हैं उर्वशी, तुम सलीम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस चिमीची से दूर कर दो। ये काम अगर नहीं किया ना तो हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे। रानी साहिबा, हम शहजादे सलीम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर जमाई बनने से बचा सकते हैं, लेकिन फिर शहजादे सलीम से हमें कौन बचाएगा? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, एक बार ये शादी टूट गई ना, शहजादे सलीम के साथ हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। रानी साहिबा, सूली कहाँ है? हम लटकने को तैयार हैं। ठीक है ठीक है, हम दूसरा रास्ता निकाल देंगे, पहले तुम इस काम को अंजाम दो, ठीक है? और ये कपड़े जरा बदल देना। क्या करेंगे हम? हाथी घोड़े पर तो बैठकर हर गधा शादी के लिए जाता है, मगर हम तो शाही घोड़े हैं, इसलिए हम कुछ अलग करेंगे, इसलिए हम शाही गधे पर बैठकर शादी करने जाएंगे। मजा आ जाएगा सलीम, दुनिया देखती रह जाएगी। वाह वाह शहजादे सलीम, ये लीजिए जहर की शीशी, और हमें अपने हाथों से जहर पिला दीजिए। ठीक है, मुंह खोलिए उर्वशी। छोड़िए, जहर की शीशी छोड़ दे। जहर की शीशी मत छोड़िए, लेकिन कम से कम ये तो पूछिए कि हम जहर पीना क्यों चाहते हैं। आप जहर क्यों पीना चाहती हैं उर्वशी? छोड़िए, लेकिन अभी तो आपने कहा कि पूछिए। पूछना नहीं, अपने चीन जाने का इरादा छोड़िए। हम आपसे प्यार करते हैं शहजादे सलीम, हम आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। सच? कहा कभी हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज दो दो हसीनाएं हमारे प्यार में पागल हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा उर्वशी। यकीन कर लीजिए शहजादे सलीम, हर कुत्ते का दिन आता है। मतलब
छोड़िए। मतलब पूछना छोड़ दें? हमें परेशान करना छोड़िए और ये कहिए कि आप भी हमसे प्यार करते हैं और आप हमें छोड़कर चीन नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर चीन नहीं जाएंगे उर्वशी। हाँ। बल्कि आपके साथ शादी करके आपको साथ लेके चीन जाएंगे। लेकिन शहजादे सलीम, हम तो बचपन से हिंदुस्तान में रहे, हमसे चीन की सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ओहो, एक को सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और एक को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई उर्वशी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इधर जाए या उधर, इधर जाए या उधर। हाँ, एक काम करते हैं, हम अक्कड़ वक्कड़ करते हैं। अक्कड़ वक्कड़? हाँ, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम आपके साथ यहाँ रहे या चिमीची के साथ चीन में रहे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भाग जाइए आप, भाग जाइए, आप हार गई। अब हम आपके साथ यहाँ नहीं रह सकते, हम चिमीची के साथ चीन में जाकर रहेंगे। लेकिन शहजादे सलीम, फिर हमारा क्या होगा? आपका, आप एक काम करिए, आप वासु से शादी कर लीजिए। हालांकि वो हमारी तरह बहादुर और समझदार है नहीं, लेकिन हाँ काम चलाऊ है, आपका जिंदगी भर उससे काम चल जाएगा। शहजादे सलीम, हम बड़ों की हाय और गधों की राय नहीं लेते। मतलब? मतलब आप यहाँ पर बैठिए और सोचिए इसका मतलब। कैसे रोकी सलीम को? उसने तो उर्वशी की बात नहीं मानी, और किसी की बात क्या मानेगा? और ऐसे बुरे वक्त में भाई साहब ही नहीं हमारे साथ, बिरबल को बुलाया था, पता नहीं वो कहाँ है। रानी साहबा की जय हो, आपने नाचीज को याद किया। नाचीज कौन है? हम किसी नाचीज को नहीं जानते, हम उसे याद क्यों करेंगे? हमने तो आपको बुलाया था बिरबल, वैसे हम बहुत परेशान है। रानी साहबा, हम आपकी परेशानी देख सकते। अरे नहीं नहीं, हम अपने बढ़ते हुए वजन की बात नहीं कर रहे, इससे और भी वजनदार परेशानी है। रानी साहबा, शहजादे सलीम घर जमाई बनकर चीन जा रहे, यही है ना आपकी परेशानी? हाँ, ये बात आपको भी पता चल गई? हमें ही क्या रानी साहबा, ये बात तो धीरे धीरे महल में हर किसी को पता चल रही। रोकना होगा। लोगों को पता चलने से हम कैसे रोक सकते हैं? सलीम को रोकना होगा। मुश्किल है रानी साहबा, प्यार प्यार होता है चाहे किसी का भी हो। ओ प्यार वाले, सलीम को घर जमाई बनने से रोकना होगा। मुश्किल है, आपको साथ देना होगा। सलीम का? अरे नहीं, हम मानते हैं कि शहजादे सलीम को चिमीची से शादी करने से रोकना मुश्किल है, लेकिन हमने एक योजना बनाई है, उसे निकाल फेंकेंगे। योजना को? चिमीची को निकाल फेंकेंगे। वासु आ रहा है, शुरू हो जाओ। गाना नहीं, बेचारा सलीम बन जाएगा दिल का रोगी। क्या सच में चीन की राजकुमारी की उसके शादी नहीं होगी? देखते जाइए मित्र तानसेन, चीन के राजा आएंगे तो अपनी बेटी के लिए सलीम को पसंद करने, पर हमें देखते ही हमें पसंद कर लेंगे। वो भला कैसे? मित्र तानसेन, हमें एक चमत्कारी कड़ा मिलने वाला है, जिसे पहनते ही हम गायब अदृश्य हो जाएंगे। हम तो सबको देख पाएंगे पर कोई हमें नहीं देख पाएगा। वाह मित्र बीरबल, अगर आपको ऐसी चमत्कारी चीज मिल जाएगी फिर तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। चीन के राजा किसी की बातों में नहीं आएंगे, सलीम को छोड़कर आपको ही अपना दामाद बनाएंगे। परंतु ऐसी चमत्कारी चीज आप पाओगे कहाँ? वो चमत्कारी कड़ा लेने आप जाओगे कहाँ? एक चमत्कारी महात्मा साधु बाबा, आज आधी रात को जब महल में सारे लोग सो रहे होंगे तो शाही बगीचे में आकर वो हमें कड़ा देंगे। किसी ने हमारी बात सुनी तो नहीं? मुझे पता है, किसी ने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। फिर ठीक है, शाही खून है हम, इसलिए हमारे होने वाले बच्चों के नाम कुछ अलग होंगे, अलग। हमारे पहले बच्चे का नाम होगा चीमी का, हमारे दूसरे बच्चे का नाम होगा चीमी खा, हमारे तीसरे बच्चे का नाम होगा भाई साहब। अरे ये चीमे भा कहाँ से आ गया, और ये भी कोई नाम हुआ? अरे कुछ अलग सोच, अलग। सलीम भाई साहब, हम आपको नाम नहीं बता रहे, हम आपको बुला रहे हैं, आपको।
अच्छा ये बात है। वैसे वासु तू बहुत सही वक्त पर आया, अभी हम अपने होने वाले बच्चों के नाम ही लिख रहे थे। बच्चे होंगे ही नहीं तो नाम लिख कर क्या करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम तुम्हें ऐसे वैसे नजर आते हैं? नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? नहीं सलीम भाई साहब आपको ऐसी बात बताएंगे ना कि आप सुन के दंग रह जाओगे। दंग मुझे पता है। देखा है ना मेरे पास भी दिमाग है। दिमाग हाँ। दिमाग ये बात है बीरबल जी, सलीम और चीमीची की मोहब्बत को कोई जुदा नहीं कर सकता। इतिहास में सलीम और चीमीची की मोहब्बत की दास्ता सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी और असली हंगामा तो आज रात को होगा बीरबल जी। आज रात नहीं आधी रात को। आधी रात को।